गाइज आ चुके हैं कोचिंग पे, और कोचिंग पे जो है पोस्टर लगवाना है, और लग गई है भूख हमको। आइए चलते हैं, कुछ खाने के लिए लेते हैं। तो यहाँ हमको दिख गई है केले की दुकान, और चलते हैं वहाँ केला लेने के लिए। कहा रेट हुआ केला? हाँ, कौन सा? 8 रुपया? ऐसा 8 रुपया रही यार। उधर का ये लगा लीजिए, मज़ा 50 रुपये लगा लीजिए, एक दर्जन दिया 50 रुपये में। तो गाइज यहाँ पे हम केला ले लिए हैं। तो गाइज केला ले चुके हैं हम, और केला लेके चल रहे हैं। ये अंदर रहा केला, वैसे नहीं खाया जाता है, केला छील के हाथ में वैसे नहीं खाया जाता है, हम गलत तरीके से खा रहे हैं। केला खाने का गलत तरीका है, केला जैसे कैसे खाया जाता है, छिलका थोड़ा छील के खाया जाता है, अब पूरा छील के हाथ में पकड़ ले रहे हैं। हाँ, हम देहाती आदमी, देहाती आदमी है, चम्मच से नहीं खाते हैं, हाथ से सान कर खाते हैं। तो केलावा कहाँ छील के पूरा थाम ले रहे हैं, वैसे नहीं खाया जाता है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग का केला हो गया है, केला वाला खा चुके हैं हम लोग, और अंकल जी और हम और अंकल जी केला वाला केला खा चुके हैं। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो पोस्टर लगाने वाला आदमी है अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग बैठ के यहीं पे पोस्टर वाले आदमी का वेट कर रहे हैं, देखिए कब तक वो आता है। जैसे आदमी आएगा हम लोग को पोस्टर लगवाना है यहाँ पे। बड़ा तो बड़ा खा, चित्र में देखा था। हाँ हाँ, हो जाता है यार, हम मतलब का मतलब पढ़ा था तू? हाँ, कितना तेज पढ़ा जाला तुरंत है, पन्ना से पन्ना पहुँच जाता था। 32 पेज पेपर हम 5 मिनट के अंदर देखा था। तू देखत रहला, पढ़त नहीं रहला, ये कहा? खाली हमें कहा देख ले, हमें कहा गड़बड़ी बा, कटल पिटल कहा, हल्का बा कहा, भारी बा, पढ़त तो पढ़ते रह जाते। पढ़त नहीं पढ़ा, तू चित्र देखा था जो ना समझा भाई, इतना तेज क्यों पढ़ा ना? नहीं बैठ के एक तो अच्छा नहीं आए, आज का पेपर है उसके देवे में आए। कोचिंग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगा हुआ है, और यहाँ भैया पोस्टर लेकर आ गए हैं, और ये पोस्टर लगा लेकर चलेंगे हम लोग ऊपर, और ऊपर लगाना है पोस्टर। और आपको मैं दिखा दूँ, जो ये वाला पोस्टर लगा हुआ है और उधर साइड पोस्टर लगा हुआ है, तो इसके बीच में जगह जो खाली हुआ है यहाँ पे हम लोग को अपने कोचिंग का पोस्टर लगवाना है। आइए ऊपर चलते हैं, और ऊपर पोस्टर लगवाना है, और यहाँ भैया लगे पोस्टर ले खड़े हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ चलना है उनको लेकर ऊपर जाना है सीढ़ी के रास्ते, और पोस्टर लेके चलना है ऊपर, और ऊपर वहाँ लगाना है। तो चलिए ऊपर चलते हैं भैया को लेकर के। तो आज बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ये भैया जो हैं पोस्टर लगाएंगे, और बहुत ही ये जो है ख़तरनाक इंसान है, ये लोग हैं, ये बहुत ख़तरनाक इंसान है, और ख़तरों के खिलाड़ी हैं ये लोग। आज हम दिखाएँगे आप लोगों को, ये लोग खतरों से खेलते हैं, आज इन लोगों को खतरों का जो है खेल दिखाएंगे आप लोगों को, जान पे खेल के पोस्टर लगाते हैं ये लोग, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई ये अपनी कोचिंग है, ये सामने टेबल पड़ा हुआ है, और लेक्चर बोर्ड पड़ा हुआ है, बोर्ड है। यहाँ मेरे सर बैठते हैं, यहाँ पे अपना सारा जो है टाइम टेबल वगैरह वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो एडमिशन करवाने के लिए बच्चे आते हैं यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे सर का ये ऑफिस है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑफिस बनवाए हैं मैं सर, देख सकते हैं आप अंदर का। ऊपर जो है बुक वुक रखने के लिए है, और पीछे जो बना हुआ है वो उसमें जो है बुक वुक रखने के लिए। ये सामने एक सोफ़ा है, टेबल के सामने एक सोफ़ा है, दो कुर्सी रखा हुआ है इधर, इधर सर की चेयर है, और दो चेयर इधर रखा हुआ है।
तो गाइज आज हम अपने कोचिंग के छत पे आ गए हैं और गोरखपुर के सबसे मेन सिटी में आए हैं और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं आप लोगों को। तो ये गोरखपुर का सबसे VIP जो है जगह माना जाता है, इसको मेन सिटी जिसको कहते हैं। यहाँ से सब कुछ पास में है, यहाँ से जो है रेलवे स्टेशन पास में पड़ेगा, बस स्टैंड पास में पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे मतलब एकदम। और वो उधर देख रहे होंगे सामने मेरे पीछे, उधर जो है मेन हाईवे से गया हुआ है, वो गाड़ियाँ चल रही हैं, मेन हाईवे है वो पीछे मेरे पीछे है, मेन हाईवे है। तो गाइस ये सामने से जो है मेन हाईवे गया हुआ है, ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने पे, कितना प्यारा लग रहा है भाई। ओ भाई, गोरखपुर का जो है सबसे अच्छी तस्वीर आपको दिखाते हैं अपने छत पर से, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ लगभग बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो गाइस यहाँ कोचिंग के बाहर जो है कुछ पौधा लगाए हुए हैं हम यहाँ पे, तो सर यहाँ पे कुछ पौधा लगाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, कितना क्यूट लग रहा है आप देख सकते हैं। ये बाहर का है जो गमले में जो पौधा लगाया गया है, हरा हरा दिख रहा है। तो पूरा एकदम सर जो है पूरी कोचिंग जो है VIP बना दिए हैं, बहुत ही हरे हरे पौधे लगाए हुए हैं देख सकते हैं, कितना गजब लग रहा है यहाँ पे। तो सर पूरा एकदम डेकोरेट कर दिए हैं कोचिंग को, बहुत ही डेकोरेट करके रखे हुए हैं। अंदर का दिखाए हैं आपको अंदर का नज़ारा, तो ये बाहर का नज़ारा है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको जो है डेकोरेट करके किया गया है इस कोचिंग को। और यहाँ पे आते हैं तो जाने का मन नहीं करता है भाई, कोचिंग इतनी VIP बना लग रहा है। यहाँ भैया जो है पोस्टर लगा रहे हैं, अभी ये यहाँ पे इतना नीचे है भाई, बहुत ही नीचे है, यहाँ से जाएंगे यहाँ लटक के नीचे और यहाँ से बनाएंगे पोस्टर को लगाएंगे यहाँ से। तो पोस्टर भैया लगा रहे हैं, पोस्टर लग रहा है। तो गाइस भैया के अभी ये रस्सी तो इनके शरीर में जो है बांधा जाएगा और रस्सी के सहारे ये नीचे जाएंगे पोस्टर लगाने के लिए गाइस। और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ये स्टंट करने वाले हैं, इस तरह से भाई कोई कर नहीं सकता है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो भाई रस्सी में बैठ करके जा रहे नीचे, अब बहुत ही खतरनाक स्टंट है वो भाई, कितना तगड़ा जाना पड़ रहा है भाई भाई। अरे चप्पल पहन ले, कौन दिक्कत नहीं हुआ भाई, बहुत ही तगड़ा। तो भाई अब देख सकते हैं भैया जो है रस्सी के सारे नीचे गए हुए हैं, बहुत ही खतरनाक भाई स्टंड है। तो भाई वहाँ पोस्टर लग रहा है, आप देख सकते हैं उतनी ऊपर बिल्डिंग पे गए चढ़ के जो है भैया मेरा पोस्टर लगा रहे हैं कोचिंग का। तो यहाँ से चढ़ना भाई सबकी बस की बात नहीं, आप देख सकते हैं भैया वहाँ पे दिख रहा है ना, उतनी ऊपर बिल्डिंग से चढ़ के जो है पोस्टर लगा रहे हैं भाई, बहुत ही खतरनाक इंसान है ये भाई, खतरों का खिलाड़ी, इसी को कहा जाता है खतरों का खिलाड़ी। तो भाई अगर ये देख रहे हैं तो आप ऐसा जो है इस तरह से स्टंट करने की कोशिश मत करिएगा, बहुत ही खतरनाक काम है भाई ये, सारे लोगों की बस की बात नहीं है इस काम को करना। तो भाई फाइनली पोस्टर लग गया है हम लोगों का, बहुत ही मुशक्क़त के बाद ये पोस्टर लगा है। और आइए अब निकलते हैं रूम पे और
अब निकल रहे हैं रूम के लिए।